गुड नेम क्या सर? तौकीर। तौकीर साहब क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। क्या करते हैं तौकीर साहब? ये शॉप है मेरी गिफ्ट्स की। अच्छा अच्छा, आपकी शॉप है। कैसा कारोबार जा रहा है? कारोबार का कुछ ना पूछे, आपको पता है इस टाइम मुल्क के हालात बहुत खराब चल रहे हैं, गरीब आवाम कैसे खाएगी? जब हम कुछ कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से? मेरा आज का सवाल ये है, आप कितना सरकारी अस्पतालों के निजाम से सहमत हैं? मैं तकरीबन अब की बात करें तो मैं 30% हूँ बस। मौजूदा दौर में अगर मैं पिछले हालातों की बात करूँ तो मैं 98% हूँ। पिछले हालात में 98? ऐसी क्या बात? पहले हालात में ये था ना, पहले नून लीग की हुकूमत थी तो वो हॉस्पिटल वगैरह हर चीज़ का सूरत हाल बहुत अच्छी थी, तब सुनी भी जाती थी। अब ये है कि 30% लोग तो जो गरीब है वहाँ वो तो मरती जा रही है, जो अमीर है वो और अमीर होती जा रही है, गरीब की उधर सुनी नहीं। पैगाम देना चाहेंगे वज़ीर आज़म? मैं पैगाम यही देना चाहूँगा कि लिहाजा वज़ीर आज़म साहब को चाहिए कि गरीब आवाम की सुनी जाए, इनको ये सोचना चाहिए गरीब आवाम खाएगी कहाँ से। आप खुद ही देखे हैं, ये बाजार भगवानपुरा ऐसा है कि इधर रश बहुत ज़्यादा था, आप देखें बिल्कुल वीरान बाजार। यानी कि अभी ये जो सूरत हाल आपको नज़र आ रही है, जी जी, आप समझते हैं कि यहाँ पे पिछले आयाम में या पिछले सालों की बात की जाए जी जी, तो इधर खड़े होने की जगह, खड़े होने की? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही सर। ओके बिल्कुल। अच्छा, मैंने कल पैनोरामा का विजिट किया है, वहाँ पे तो जस्ट मैंने शॉपकीपर्स जो शॉप ओनर्स हैं उनका ही इंटरव्यू किया है, वहाँ पे आवाम मौजूद ही नहीं थी। बिल्कुल ऐसे ही है सर, मैंने आपको वही बताने की कोशिश की है कि आप देखें ना, अब मेरी जेब में है 500, तो मैं देखूंगा कि मैंने यार ये चीज़ लेनी, मैं कहूँगा नहीं यार मैं खाऊंगा कहाँ से। थैंक यू सर।